नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 16 दिसंबर 2019 और हम देखेंगे आज छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नेशनल करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अस्पतालों में स्वच्छता के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो योजना का नाम है कायाकल्प। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, याद रखिएगा योजना का नाम कायाकल्प है। झीरम घाटी में शहीद नेताओं के नाम से खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा की गई थी खेल अलंकरण समारोह में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पांचवा शक्कर कारखाना खोलना प्रस्तावित है? तो पांचवा शक्कर कारखाना जो है बेमेतरा में खोला जाएगा, याद रखिएगा पांचवा शक्कर कारखाना कहां खोला जाएगा? बेमेतरा में। अगला क्वेश्चन है, नया राजस्व अनुविभाग कहां बनाया जाएगा? तो ये बना जाएगा लोहांडीगुड़ा में। जगह का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे लोहांडीगुड़ा। मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को इसमें प्राप्त हुआ है छठवां स्थान। चलिए दोस्तों, कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रही है एंजेला मर्केल, ये जो है जर्मनी की चांसलर है। हमारे लिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है निर्मला सीतारमन जी का, क्योंकि इनको जो है 34वां स्थान मिला है। साथ में आप ये दोनों नाम भी याद रख सकते हैं, रोशनी नारद मल्होत्रा और किरण मजुमदार शॉ। ये तीन महिलाएं ऐसी हैं जिनका टॉप 100 में इनका नाम आया है। इनका आपको रैंक भी याद रखना पड़ेगा, 34वां रैंक रहा है निर्मला सीतारमन जी का। और पहले स्थान पर कौन रही है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोगला और चट्टग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बांग्लादेश में। ये दोनों बंदरगाह हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाल ही में एक समझौते के तहत भारत इन दोनों बंदरगाहों का इस्तेमाल अपने माल की आवाजाही के लिए कर पाएगा, इसलिए आप याद रखेंगे ये दोनों बंदरगाह पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो फिक्की ने किसे सम्मानित किया है? सौरभ चौधरी जी को। ये एक शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली की बात करें तो इन्हें पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया था, और फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे? सौरभ चौधरी को। ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इनर लाइन परमिट क्या होता है? एक ऐसा परमिट है जिसे भारत के अन्य राज्यों से अगर कोई जा रहा है इन राज्यों में रहने के लिए, तो उन्हें यहां से जाने के लिए या रहने के लिए अनुमति पत्र है, उसे हम कहते हैं इनर लाइन परमिट। ये इन तीन राज्यों में तो पहले से लागू था इनर लाइन परमिट। अभी जो इनर लाइन परमिट नया जो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है मणिपुर में। तो आप याद रखेंगे है तो कितने राज्यों में है पूछता है, तो आपको बोलना है चार राज्यों में, और हाल ही में किसे दिया गया है? तो मणिपुर में। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोगेनविल दुनिया का सबसे नया देश बना है, ये किस देश से अलग होकर बना है? तो ये बना है पापुआ न्यू गिनी। नाम याद रखेंगे, ये दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट है, कौन सा नया देश बना है बोगेनविल और किससे अलग होकर बना है पापुआ न्यू गिनी। चलिए दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं इनका आप क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची पर शीर्ष पर कौन रहा? एंजेला मर्केल। मोगान तथा चिट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में है? तो बांग्लादेश में। फिक्की ने स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सौरभ चौधरी को। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने इनर लाइन परमिट लागू हुआ? तो मणिपुर में। बोगेनविल दुनिया का सबसे नया देश बना है, किससे अलग होकर? पापुआ न्यू गिनी से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अस्पतालों की स्वच्छता के साथ बेहतर सुविधा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? कायाकल्प। झीरम घाटी में शहीदों की नेताओं के नाम से खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा कब की गई? राज्य खेल अलंकरण समारोह में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पांचवा शक्करखाना खोला जाना प्रस्तावित है? बेमेतरा में। नया राजस्व अनुविभाग कहां बनाया जाएगा? लोहांडीगुड़ा में। मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो छठवां स्थान प्राप्त हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ एग्जाम क्वेश्चंस। इस टॉपिक में मैं वो क्वेश्चंस लेके आता हूं जो पीएससी और व्यापम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, इस राज्य के उत्तर में स्थित है, बहुत से लोगों को अरावली पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला में कंफ्यूजन रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला। याद रखेंगे उत्तर में कौन सा स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? ये रहे आपके चार ऑप्शंस। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।